टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर में एक पोल्ट्री फार्म में अचानक 300 मुर्गियों के बर्ड फ्लू से मरने से हड़कंप मच गया है। अभी कोरोना पर लगाम लग ही रहा है कि वहीं एक बार फिर बर्ड फ्लू से डर पैदा हो गया है। हालांकि मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे और रिपोर्ट में बर्ड फ्लू से मौत का कारण बताया गया है। और जिस जगह पोल्ट्री फार्म है, बर्ड फ्लू से मुर्गियों की मौत जिस जगह पोल्ट्री फार्म में हुई है, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक मुर्गियों और अंडों को नष्ट करने का आदेश दिया गया है। ठाणे जिले के कलेक्टर राजेश नार्वे ने आश्वासन दिया है कि महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में चिंता की कोई बात नहीं है। ये क्या मांग है आपकी और क्या घटना हुई? अभी का तो मोबाइल हमको मिला है, मिलने वाला है, लेकिन 6 महीने तक उसमें कुछ मुर्गी विर्गी डालने का नहीं। 6 महीने तक हम लोग क्या करेंगे? कुछ रोजगार है ही नहीं, हमारा तो सब उसके ऊपर ही, पोल्ट्री के ऊपर। बच्चे लोग और मैं काम कर रहा है, स्कूल से बच्चे आते हैं, काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ उधर। अभी उधर से डिस्टेंस भी बहुत है, उधर से एक भी आदमी नहीं आ रहा है। जिधर भी ये ऐसा हुआ है, उधर से एक भी आदमी इधर नहीं आता। अभी क्या चाहते हैं आप? कम से कम 6 महीने के लिए कुछ तो कुछ हमारा बंदोबस्त होना चाहिए ना। अभी घर पट्टी तो हमको भरना पड़ेगा, मीटर का बिल भरना पड़ेगा, मेंटेनेंस तो है ही, इतना बड़ा शेड है, ऊपर से हमको और तो कुछ काम है नहीं। वेड़ोली तालुका शाहपुर जिला थाना में 2 दिन पहले अराउंड 300 मुर्गियां मृत पाई गई, जिनके सैंपल्स हमने पूना लेबोरेटरी में भेजे थे और कल हमें वहां से रिपोर्ट आया है कि ये मुर्गियां बर्ड फ्लू की वजह। पूरी खबरदारी की योजना हमने की है। कल हमने नोटिफिकेशन निकाल के वेहलोली गांव से 1 किलोमीटर रेडियस में हमने इन्फ्लुएंजा जोन डिक्लेयर किया है और उस 1 किलोमीटर एरिया में जितने भी कई चिकन है या एग्स है या उनका खाद्य है, उसे नष्ट करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि वेहलोली गांव छोड़कर और कहीं भी शाहपुर तालुका में या ठाणे डिस्ट्रिक्ट में बर्ड फ्लू के कोई भी और केसेस पाए गए नहीं हैं, लेकिन वेहलोली से उसका संसर्ग और प्रसार अन्यत्र न हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है।